अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ मरीना डेल रे, और ये विनिस बीच से थोड़े फासले पर है, जो कि पैदल का रास्ता तो नहीं है, अपनी ज़ाहिरी गाड़ी आपको गाड़ी में जाना पड़ेगा। तो मरीना डेल रे ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक फ्री राइड्स के थ्रू आपको अगर लेनी है तो इनकी एप्लीकेशन है, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, तो आप उसको पॉज करके चेक कर लीजिएगा। तो अपने मोबाइल में जैसे आप ऊबर यूज़ करते हैं, तो आप सेम इसी तरह इसको यूज़ कर इस राइड को आप हासिल कर सकते हैं। मरीना डेल रे के बारे में आपको बता दूं कि ये वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत मशहूर है। यहाँ पर आप वो वाटर स्पोर्ट्स आप यहाँ पर कर सकते हैं आकर, जिस तरह हमारा चाइना पोर्ट है, इस तरह ही इन्होंने इसको डेवलप किया है। मैं पहुंच चुका हूं पैरासेलिंग बोट रेंटल के लिए, और यहां टैक्सी इज़ ऑपरेटेड बाय, और इसके अंदर लिखा हुआ मंडे क्लोज, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, और ये खुला होता है थर्सडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये पैरासेलिंग के लिए स्टैंडर्ड फ्लाइट है पर पर्सन $85 की, जो कि 8 से 10 मिनट है, और ये 500 फीट की बुलंदी पे लेके जाएंगे। और मैग्नम फ़्लाइट है पर पर्सन, ये आपको 800 फीट की बुलंदी पे लेके जाएंगे 10 से 12 मिनट, और ये $95 की है। डबल स्टैंडर्ड फ्लाइट है $170 की, 15 अप्रॉक्स 90-10, 2 पीपल हैं। तो ये काउंटर है, और आपको अगर बोर्डिंग वगैरह भी करनी है, तो अगर आपको कायक का पैडल आपको बोर्ड चाहिए, वो है, मोटर बोर्ड है, सफारी है, जेट स्की है, जो चाहिए आपको यहाँ से मिलेगा। वेनिस बीच के अंदर आपको वाटर स्पोर्ट्स की जो चीज़ें हैं ये आपको नहीं मिलेंगी, ये आपको यहाँ आना पड़ेगा मरीना डेल रे। तो सेम चाइना पोर्ट जिस तरह हमारा बना हुआ है, सेम इसी तरह ये पट्टी भी जो है इसी तरह इन्होंने डेवलप की है, ये बोर्ड्स लगाई हैं। तो मैं इस बोर्ड में जाऊँगा अभी पैरासेलिंग के लिए, तो आप बोर्ड्स और यहाँ के नज़ारे चेक कर सकते हैं। मैं आपको अभी इस बोर्ड के अंदर लेके चलता हूँ, और ये सेशन स्टार्ट होने वाला है। And harness some of you up now. The rest of you I'll be harnessing up out there, okay? This process is very easy. You two will go first. So basically whatever they do. GoPro मैंने सर पे लगा लिया है। मोनिका इस तरफ है और इस तरफ विनिस बीच है। ये मुझे और ऊपर तक कभी लेके जाएगा, 500 फीट की बुलंदी पर ये जो है ये लेके जाएगा। सुपर्ब यार, मज़ा आ गया। आप अगर विनिस बीच की तरफ आ रहे हैं तो ये यहाँ इस वाले स्पॉट पे आप ज़रूर आइएगा, मरीना डेल रे। और ये पैरासेलिंग का जो इफ़ेक्ट है और जो पैरासेलिंग एक्सपीरियंस है आप ज़रूर लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त मुझे जो है एक फील हुआ। फर्स्ट टाइम मैं पैरासेलिंग की है ज़िंदगी के अंदर।
तो काफी सारी चीजें जो है यहाँ पर हो रही हैं, साथ में यहाँ पर काफी सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। थैंक यू सो मच सर। इसके अलावा यहाँ पर बोट्स जो हैं, उसके अलावा बहुत सारे शिप्स हैं यहाँ पर, वहाँ पर इन्होंने रेस्टोरेंट्स खोले हुए हैं, खाने पीने के काफ़ी रेस्टोरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर मतलब हर तरह के तबका यहाँ पर मौजूद था, छोटे से लेकर बड़े तक इस मरीना डेल रे के अंदर मौजूद था। और ये बहुत ही खूबसूरत आइलैंड इन्होंने बनाया है यहाँ पर, इस पूरे बीच को जो है यहाँ पर इन्होंने डिज़ाइन किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, अपने अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम एंड फी अमानिल्लाह।